आइए जो गांव में पानी भरे है उसके बारे में बताइए। इसके बारे में पानी भर रहा है, हम किसी को भी वोट नहीं देंगे, कोई भी मंत्री आओ जितने भी रास्ता को सुधार नहीं होने का। अच्छा किसी को कोई भी चुनाव है कोई भी लड़ने आ रहा होगा सीधे सीधे सर डांट के मारेंगे, वोट के विषय में बिल्कुल भी नहीं देंगे जितने का इसका सुधार नहीं होने का। बहुत परेशान है इस बार से, बहुत दुखी है। याद की थी क्या रात प्रधान तक खूब करते रात ना जा जाएगा 10 भी 15 भी 20 आदमी गए प्रधान तक कोई सफाई नहीं की इस रास्ता के मामले में। सिंह तंवर रहे हैं उन्होंने भी यहाँ पर नहीं देखा इधर को तो लौट के ही ना देखा था कोई क्या होगा पब्लिक में। हाँ विधायक ने भी लौट के नहीं देखा वोट लेके चले। तो अब आप क्या करेंगे? अब तो ये करेंगे जो जो सरदार है को भी वोट लेगा। ठीक ये कौन सा गाँव है इसमें क्या परेशानी है इसके बारे में बताइए। कार हो रही है परेशान है ढोर डंगर से निकलने से आदमी से रात रात में गिरते मास्टर इसकी इसकी तुमने किसी से शिकायत करी है? प्रधान से रोज कही प्रधान ने नहीं सुनी मेंटर से भी कही वो भी नहीं सुनी सबसे कह रहे कोई असर ही नहीं कर रहा उन्होंने कहता है कही तो ऐसा होने की ना है। सांसद जी से शिकायत करी थी क्या? ना जी किसी से सबसे कही किसी से नहीं करो। तो अब आप क्या चाहती हैं? तो वोट दे देंगे या पूरा काम जो या कुछ सुधार कर देंगे। वोट नहीं मिला। अच्छा जूते माला चुनाव का बहिष्कार करोगी क्या? बिल्कुल ठोक कर देंगे। आपके गांव में क्या नाम है पानी भर गया है इसके बारे में बताइएगा। सारे ढकिया खादर गांव है और ढकिया खादर में हम लोग बड़े परेशान हैं। हमने जो विधायक से भी सांसद जी से भी और ग्राम प्रधान से भी बहुत शिकायत कर ली लेकिन इसका सुधार किसी ने नहीं किया और हम आने वाले चुनाव में बहिष्कार करेंगे। हम जो चुनाव नहीं डालेंगे वोट नहीं डालेंगे बिल्कुल भी इतना हमारा रास्ता का इसका सुधार नहीं हो जाएगा। बस हमारी तो यही विनती है हमारे रास्ता का सुधार होना चाहिए। हम जो फिर बाद में चुनाव करेंगे चुनाव डालेंगे वोट डालेंगे और जो क्या कहते हैं इसका सुधार नहीं होगा तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम जो वोट नहीं डालेंगे बिल्कुल भी इतना इस रास्ता का सुधार नहीं होगा, इसकी समस्या हल नहीं हो जाएगी।